स्टूडेंट्स क्लास सेवेंथ। तो लास्ट क्लास में बच्चों एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। ओके, तो एक्सरसाइज 2.5 के अंदर हम डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जैसे कि चैप्टर का नाम था फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो फ्रैक्शन के बारे में अभी हमने पढ़ा था प्रीवियस एक्सरसाइजेस में, अब हम पढ़ेंगे डेसिमल्स। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हिच इज ग्रेटर। हमें दो डिजिट्स दी हुई है डेसिमल प्लेस वाली और हमें बताना है कि दोनों में से ग्रेटर कौन सी है, बड़ी कौन सी। तो देखो 0.5 है और 0.05। ओके, तो देखो जब भी डेसिमल किसी भी डिजिट में अगर डेसिमल लगा होता है तो हम उसका डेसिमल रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखो कोई भी डिजिट है 0.2 है, तो ये डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतनी हम 1 के साथ 0 लगा देंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा। ओके, जैसे देखो 0.2 था ना, डेसिमल के बाद 1 डिजिट थी तो 1 के साथ 0 लिख दिया, तो हम 0.2 को 2/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसका डेसिमल हटा देंगे। ओके, तो ऐसे देखो अब हम 0.5 है और 0.05, इन दोनों में से हमें बताना है कि बड़ा कौन सा। ओके, तो सबसे पहले हम इनका डेसिमल हटा देते हैं। तो 0.5 का हम डेसिमल हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट में 10 आ जाएगा। और दूसरी तरफ क्या है 0.05, तो इसका डेसिमल हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो 1 के साथ 2 जीरो आ जाएगा। ओके, ये देखो किसी भी डिजिट के अगर आगे जीरो लगी हुई होती है ना बिना डेसिमल के, तो उसका उस जीरो का कोई मतलब नहीं होता, आप उसे हटा भी सकते हो। ठीक है, तो जैसे देखो ये 0.5 है ना, तो इसका इस जीरो का कुछ मतलब नहीं है, इसको हम 5/10 और इसको हम 5/100 लिखेंगे। ओके, अब देखो इन दोनों फ्रैक्शन में से हमें बताना है, देखना है कि कौन सी बड़ी है। तो उसके लिए पहले दोनों फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन मतलब दोनों के जो डिनोमिनेटर है उनको इक्वल बनाना पड़ेगा, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पहले भी किया है, तो इक्वल कैसे बनाएंगे, दोनों जो डेनोमिनेटर्स हैं इनका हम एलसीएम लेंगे। तो 10 और 100 का एलसीएम लेंगे, 10 × 10 × 10 × 100, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो जो हमारा एलसीएम आएगा 100, उतना ही हम नीचे वाले दोनों डिजिट्स को उतना बना लेंगे जितना हमारा एलसीएम आएगा। ओके, तो इसके नीचे तो 100 ऑलरेडी है, इस वाले जो फ्रैक्शन है इसकी जो नीचे वाले डिजिट है डिनोमिनेटर इसको भी हम 100 बना लेंगे। ठीक है, तो 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 × 10 = 50 और 10 × 10 = 100, तो ये हमारा क्या आ गया 50/100। और ये क्या था 5/100। तो अब देखो 50, अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब देखो 50/100 बड़ा है या 5/100 बड़ा है, तो 50 बड़ा होता है 5 से, तो यानी ये वाला जो फ्रैक्शन है ये बड़ा है। ओके, और ये फ्रैक्शन किसका है 0.5 का, तो 0.5 और 0.05 में से बड़ा कौन सा है, 0.5 इज ग्रेटर। ओके, तो इसी टाइप से इसके बाकी के पार्ट्स ही नहीं, इसका फर्स्ट पार्ट है, बाकी के पार्ट्स आपको खुद करके देखने हैं। ठीक है, पहले इसका डेसिमल हटा के नीचे 1 के साथ 0 लगा देंगे, जितनी डेसिमल के बाद डिजिट होंगी उतनी 0 लगा देंगे, फिर दोनों जो फ्रैक्शन आएंगे उनको लाइक फ्रैक्शन बना लेंगे। लाइक फ्रैक्शन मतलब दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, सेम करने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर्स का पहले एलसीएम ले लेंगे, जितना एलसीएम आएगा उतना जो नीचे वाले डिनोमिनेटर है उनको उतना बनाना है। तो इसका तो 100 आया था, इसका तो ऑलरेडी 100 है, इसको भी 100 बनाएंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से ऊपर और 10 से नीचे, तो कितना आंसर आ जाएगा 50/100। तो 50/100 और 5/100 दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गई, 50/100 और 5/100 का आंसर बड़ा है 50/100। ओके, तो हमारा 50/100 इसका फ्रैक्शन था 0.5 का, तो 0.5 जो है वो ग्रेटर है। ओके, इसके बाद के पार्ट्स आपको खुद करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस इन रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। तो हमें कुछ पैसे दे रखे हैं, इनको हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है और डेसिमल का यूज करना है।
ओके। तो देखो 7 पैसे, तो आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि 100 पैसे मिला के कितने रुपए बनाते हैं, 1 रुपीज। ठीक है, 100 पैसे से कितने रुपए बनते हैं, 1 रुपीज। तो 1 पैसे के अंदर कितने रुपये होंगे, 1 पैसे के अंदर 1/100 रुपीज हो जाएंगे। ओके, और हमें कितने पैसे के अंदर बताना है, 7 पैसे के अंदर बताना है। तो 7 पैसे के अंदर कितने हो जाएंगे, 1/100 × 7। ठीक है, तो 7 के लिए 1, 7 × 7, 100 × 1, 100। 7/100 आ गया। अब देखो 7/100 को अगर इसमें हमें डेसिमल प्लेस में शो करना है जो कि हमारे रुपीज आएंगे, तो 7/100 को डेसिमल में कैसे शो करोगे। अभी आपको बताया था कि जैसे 8 डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है उतनी हम जीरो लगाते हैं। ठीक है, तो अगर जीरो से हमें डेसिमल बनाना है तो जितनी नीचे जीरो होगी उतनी डिजिट के पहले हम डेसिमल प्लेस लगा देंगे। ओके, तो देखो 2 जीरो है तो एक तो डिजिट है हमारे पास 7, और 2 डिजिट से पहले हमें डेसिमल लगा लें तो एक तो 7 है और दूसरी डिजिट हम लिखेंगे 0। ओके, तो 0 7 के पहले डेसिमल और फिर 1 0, तो ये हमारे 0.07 रुपीज आ गए। ठीक है, रुपीज का सिंबल से डिनोट करते हैं। तो 100 पैसे 1 रुपीज, 1 पैसे 1/100 रुपीज हो जाएगा, 7 पैसे में 1/100 × 7। तो 7/100 आ गया, 7/100 को डेसिमल में शो करेंगे 0.07 रुपीज। ओके, फिर नेक्स्ट देखो 7 रुपीज 7 पैसे, तो ये तो रुपीज में है, इस 7 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो अभी हमने करा था 7 पैसे कितने रुपीज का आया था हमारा, 7 पैसे आया था 7/100, 0.07 रुपीज आ गया। ठीक है, तो ये पूरा 7 रुपीज तो पूरे थे और 7 पैसे के अंदर कितने हुए हैं, 0.07 रुपीज, तो टोटल कितने हो गए, 7 रुपीज प्लस 0.07 रुपीज। इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे करेंगे, देखो इसमें तो डेसिमल प्लेस लगा हुआ है, ये वाली जो डिजिट है इसमें डेसिमल नहीं है, किसी डिजिट में अगर डेसिमल प्लेस नहीं होता है और उसको डेसिमल वाली डिजिट के साथ हमें ऐड करना हो तो क्या करेंगे, देखो पहले इसको राइट कर लेंगे 7, इसके पास डेसिमल नहीं है तो हम इसके पीछे डेसिमल लगा के 0 0 लिख सकते हैं, ये चीज और ये बराबर होते हैं, किसी भी डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा के 0 0 लिख सकते हो, उससे उस डिजिट पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने लिखी और ये बराबर, तो हमें इस डिजिट को ऐसे लिख लिया ताकि हम डेसिमल वाले डिजिट की इसके साथ एडिशन अच्छे से कर सकें। दूसरी डिजिट क्या है, 0.07, तो जो ये डेसिमल है इस डिजिट में ये डेसिमल के नीचे ही आना चाहिए, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.07। ओके, अब इनको ऐड कर दो 0 और 7, 0 0 0, 0 7 और 0 7, तो ये हमारा क्या आ गया, 7.07। ठीक है, 7 रुपीज और 0.07 रुपीज को हमने ऐड किया, कितना आया, 7.07 रुपीज। ठीक है, तो ऐसे ही इसके बाकी के पार्ट्स हैं। अगर रुपीज में जो दे रखे होंगे उसको पहले फिर रखेंगे, जो पैसे में होगा उसको पहले रुपीज में कन्वर्ट करेंगे और फिर दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ पैसे में होगा तो जैसे इसमें था तो उसको सीधा हम रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए 100 पैसे के लिए कितने रुपए बनाते हैं, 1 रुपीज। ओके, तो ये इसके बाकी के पार्ट्स आपको खुद करने हैं, ये दोनों क्वेश्चन के जो बच्चों के पार्ट्स हैं वो करके देखना है, इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।